गाला 2022 में इस बार भारत को सोशलाइट और बिजनेस वुमन नताशा पूनावाला ने रिप्रेजेंट किया है. यस यू हर्ड दैट राइट. जब एंटरप्रेन्योर नताशा पूनावाला ने जब रेड कार्पेट पर धमाकेदार एंट्री ली, तब उनकी पोशाक यानी आउटफिट ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया. देसी ग्लैमर और अमेरिकन इंस्पिरेशन वाली इस आउटफिट में अब नताशा पूनावाला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल भी हो रही हैं. तो क्या है दी एग्जैक्ट लुक और उसकी डिटेल्स क्या है, वो सब जानने से पहले नमस्कार, मैं हूँ रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया. फर्स्टली वेलकम बैक टू अवर चैनल. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें. और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोज एंड ऑल द वीडियोज दैट यू लाइक एंड लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें. थैंक यू. जहाँ देसी ग्लैमर और अमेरिकन इंस्पिरेशन वाली इस आउटफिट को भारतीय डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने डिजाइन किया है. जब मेट गाला 2022 के लिए नताशा पूनावाला की बस्टियर टॉप को शी अपरेली से डिजाइन भी करवाया गया है. यही कारण है कि नताशा को मेट गाला नाइट की बेस्ट ड्रेस सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शामिल भी कर दिया गया है और अब हर कोई उनकी ही चर्चा कर रहा है. नताशा के गोल्डन लुक की तस्वीरें सब्यसाची मुखर्जी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से भी पोस्ट की गई हैं. जो सब्यसाची के मुताबिक मेट गाला के लिए नताशा पूनावाला का विजन था एक ऐसा ड्रेस कोड जिसमें भारतीय चमक के साथ साथ मल्टीकल्चर नजर आए और एक अलग ही प्रभुत्व कायम करे. सब्यसाची ने ठीक ऐसा ही आउटफिट उन्हें डिलीवर भी किया. फैंस भी इन तस्वीरों को शेयर कर रहे हैं ऑन देयर पर्सनल अकाउंट्स एज वेल. तो सब्यसाची ने नताशा के विजन और मिशन को अपने कैनवस पर उतारा और उसे ठीक ऐसे ही आउटफिट डिलीवर कर दिया. राइट, वेल इस आउटफिट पर और इसकी डिटेल्स पर आपका क्या टेक है एंड ऑल्सो द आइडिया बिहाइंड दैट, डोंट यू थिंक इट्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स? डू लेट अस नो योर इनसाइट्स इन द कमेंट डाउन बिलो. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे सेगमेंट. अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो पसंद आया देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डीएनपी इंडिया. आप हमें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया.